Good morning, students. I hope you all are fit and fine. So let us start our today's class. All students of standard 2, open English reader book. Open chapter 3. What is chapter 3? Chapter 3 is the contest, means pratiyogita, a type of competition. Once upon a time, there were three sisters. एक समय की बात है, तीन सिस्टर थी. The eldest sister, Winter, was proud and aloof. Eldest sister, Winter थी जो घमंडी और अलग थलग रहने वाली थी. The middle sister, Summer, was warm and friendly but hot-tempered. Middle sister, Summer थी जो friendly तो थी but hot-tempered, यानी तुरंत गुस्सा होने वाली थी. The youngest sister, Monsoon, was shy and gloomy. छोटी sister, मानसून थी जो साई और ग्लूमी, थोड़ी उदास वाली थी. वन मॉर्निंग द सन गेव देम अ मैसेज. एक सुबह सूरज ने एक मैसेज दिया. देयर विल बी अ कंटेस्ट बिटवीन द थ्री ऑफ यू, सेड द सन. तुम तीनों के बीच एक कंपटीशन होगा, सूरज ने कहा. आई विल चूज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टर. मैं सब मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टर चुनूंगा. ईच ऑफ यू मस्ट ड्रेस योर फाइनेस्ट क्लॉथ्स फॉर द कंटेस्ट. तुम सभी अपने अपने लिए अच्छी सी ड्रेस देख लो. विंटर, समर एंड मॉनसून began to prepare for the contest at once. Winter, Summer और Monsoon contest के लिए तैयारी करने लगे. Soon the day of the contest arrived. जल्द ही contest का दिन आ गया. The first sister to take her turn was Winter. सबसे पहले sister की Winter की बारी थी. She wore a beautiful white dress. उसने एक बहुत खूबसूरत white dress पहना. There were diamond on her neck, ear and wrist. और उसने गले पे, ear में और wrist पे diamond थे. Now turn the page. You are a lovely girl, said the sun. सूरज ने कहा, यू आर अ लवली गर्ल बट देयर इज सो मच फॉग अराउंड यू. लेकिन तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे फॉग हैं. दैट आई कांट हार्डली सी योर फेस, जिससे मैं तुम्हारा फेस बहुत मुश्किल से देख पा रहा हूँ. इट वॉज समर्स टर्न नेक्स्ट. अब नेक्स्ट समर की बारी. Her dress was gold. उसका dress gold सुनहरा था. And it shimmered when she walked. और चमचमाता हुआ जब वो walk चलती थी. Big bright flowers decorated her hair. Big bright flowers से उसके बाल सजे हुए थे. Wow, you look even better than your elder sister, said the sun. Sun ने कहा, तुम तो अपनी elder sister से ज़्यादा अच्छी लग रही हो. Finally, it was monsoon turn. अब finally monsoon की बारी थी. She was too shy to go out. वो बाहर आने में बहुत shy हो रही थी. But winter and summer made her do it.
उसको बाहर आने में विंटर और समर ने मदद की। मॉनसून्स ड्रेस वॉज ब्लू, मॉनसून का ड्रेस ब्लू था। इट फ्लोड अराउंड हर लाइक वाटर, वो ऐसे फ्लोट कर रहा था जैसे वाटर हो। व्हेन द सन सॉ हर ही वॉज अमेज्ड, जैसे ही सूरज ने उसे देखा वो चकित रह गया। टू हिम सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टर, तुम्ही मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टर हो। द सन गेव मॉनसून अ सैस टू वियर, सन ने उसे एक सैस पहनाया। इट हैड 7 डिफरेंट कलर्स ऑन इट, उस पर 7 अलग अलग रंग के कलर थे। इवन टुडे वेन एवर द सन कम टू विजिट मॉनसून, अभी भी जब सन मॉनसून के मॉनसून में आता है, सी ऑलवेज ब्रिंग्स आउट द सैस एंड वियर इट, वो हमेशा सैस पहने हुए आती है। दैट इज वाई वी सी अ रेनबो, ऐसा इसलिए हम रेनबो देखते हैं। व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर इट्स रेन, व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर इट रेन, जब सूरज बारिश के बाद आता है तब हम रेनबो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे फिट।